हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका एग्जाम सेंटर मुजफ्फरपुर से आगे कांची प्लेस करके है ना, वहाँ पे आपको कैसे जाना है मैं बताने वाली हूँ। डायरेक्ट मुजफ्फरपुर स्टेशन से आप क्या करो, टेम्पो लो, बैरियर बस स्टैंड पे जाओ। आपको वहाँ से स्टेशन से आपको बस स्टैंड का 25 रुपये लेगा। उसके बाद बैरियर से डायरेक्ट आपको टेम्पो लेना है और कांटी तक जाना है, और 30 रुपये वो लेगा और आपको एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ देगा। आप ये टेम्पो सब देख सकते हैं, वो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, जो इससे आए हैं। उसके बाद 1 घंटा वेट करके वो लोग फिर इसी टेम्पो से रिटर्न चल जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा भाड़ा नहीं रहेगा। और ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा यूनिवर्सिटी टाइप का एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, सिंपल सोवर एंड साधारण इसको आप बोल सकते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर जो है सिंपल था, लाइक हाईवे के साइड में था, ठीक है, शांत था एवरीथिंग। आपको फोटोकॉपी करवाने वाला शॉप वगैरह सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप फोटोकॉपी करवा सकते हो। एंड चायनास्ता का भी जगह है, आपका पैसा वगैरह रखना, चाहे पैसा या बैग वगैरह अंदर नहीं जाने देते, तो आपको वो शॉप पे दे देना है, कुछ चार्ज लेंगे वो लोग। अब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर के बारे में बताती हूँ। जब एग्ज़ाम सेंटर अंदर जाओगे तो पहले गार्ड्स लोग चेक करने वाले हैं कि आपका आईडी प्रूफ सही है कि नहीं, आईडी एडमिट कार्ड सही है कि नहीं देंगे। उसके बाद चेक करने के बाद उसको आपको अंदर जाने देंगे। 3 फ्लोर है और आई थिंक फर्स्ट फ्लोर में 200 से 250 से ज़्यादा कंप्यूटर्स है, और वो स्टूडेंट के देखकर है। उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे तो पहले रूम में एंटर करना चाहोगे तो देन टॉयलेट बाथरूम साइड में, अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना है देन पहले आप करके जाओ, सो डैट आपको एग्ज़ाम टाइमिंग वो लोग उठने नहीं देंगे। उसके बाद जब आप उसके बाद वो लोग चेक करेगा, नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आगे आपको भेजेगा। फिर आगे भेजने का क्या करेगा, एक जो टीचर होंगे या एम्प्लॉई होंगे वहाँ के, तो वो लोग क्या करते हैं, रेटिना स्कैन करते हैं, सिग्नेचर यू नो होता है वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको सिस्टम एलोकेट करेंगे कि आप इस सिस्टम नंबर पर जाओ, कहने का मतलब इस कंप्यूटर पर जाकर बैठो, वहाँ पे नंबर्स भी लिखे रहते हैं कि आपका ये नंबर है, तो वहाँ पे बैठो। उसके बाद आपका नाम रहता है और फोटो रहता है, आपको वेरीफाई करना है कि अगर सही है, सिस्टम सही है, देन आप वहाँ पे बैठे रहो। अगर नहीं है देन आप उसको कंप्लेन करो कि मेरा ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ सिंबल रोल नंबर भी नहीं टाइप करना है, आपको डायरेक्ट पासवर्ड करना है, इंटर करना है। उसके बाद आपके जो जो वहाँ पे होते हैं साइन करना, सिग्नेचर करना, एवरीथिंग जो होता है ना, वो लोग पहले करवा देते हैं, ठीक है। करवाने के बाद उसके बाद टाइमिंग सबका एक ही बार होता है, ऐसा नहीं है कि आप पहले कर लियो या तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, एक ही बार सब होने के बाद, जैसे होता है ना कि 15 मिनट जो भी सिग्नेचर करवाना है, अटेंडेंस करवाना है, वो करवा के उसके बाद जब फाइनली सबका हो जाता है, तो लोग एक ही बार क्या करते हैं, सिस्टम से अपना एंटर करते हैं, तो क्वेश्चन आपका सामने आता है, क्वेश्चन करो, एग्जिट करो। उसके बाद में रिव्यू भी लेते हैं कि आपको कैसा लगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह भी कैसा लगा, तो ये सब पूछते हैं वो लोग। उसके बाद आप वहाँ से निकल जाओगे, तो कुछ नहीं करना है, निकलने के बाद टेम्पो लो और फिर अपने कहाँ पे जाओ, जहाँ आपको जाना है फ्रीली। हम लोग जब निकले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जब एग्जाम लगता है 2 घंटे एकदम जोर से बारिश हुआ, बस इस टेम्पो करके मैं गई मंदिर, उसका भी वीडियो बनाऊंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी करना।